कोई व्यक्ति हो, किसी दल का हो, अगर आप हिंसा का सहारा लेके आगे काम करना चाहते हैं तो उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। गुरु मानते हैं। मैं कह रहा हूँ दोबारा आपको, कोई व्यक्ति को अगर हिंसा का सहारा लेते हैं उसका मैं खंडन करता हूँ, उसको कभी हम इस समाज में टॉलरेट नहीं किया जा सकता। तो हिंसा अगर सरकार की मशीनरी भी उसका उपयोग करती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। पहले मुझे बताया गया कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होगी, अब कह रहे हैं कि संभागीय आयुक्त उसकी इंक्वायरी करेंगे। मुझे पता नहीं सरकार क्या चाहती है, लेकिन ये सरकार का एक चेहरा सामने आया है कि अपना भड़ास निकालने के लिए चुनाव, उस दिन मतदान चल रहा था, जाँच तो उस बात की होनी चाहिए कि ये लापरवाही जानबूझ की गई क्या। पुलिस प्रशासन पॉलिटिकल कोई भी व्यक्ति हो, अगर अधिकारी का बड़ा अधिकारी जांच करेगा तो मैं आज ही बता रहा हूँ आपको, कुछ निकल के नहीं आएगा उसके अंदर। अगर हमें तथ्य तक पहुँचना है तो जुडिशियल इंक्वायरी जरूरी है, लेकिन तुरंत प्रभाव से निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि कल इलेक्शन है। कितने लोगों को प्रभावित कर चुके थे, कौन उनके संपर्क में थे, कैसे पूरे उसको अंजाम दिया गया, ये मैं समझता हूँ बड़ा एक चिंता का विषय। लोकतंत्र में इतनी बड़ी धनराशि लेकर मतदान से कुछ घंटे पहले सत्ता वाली पार्टी जो केंद्र में सत्ता में है, प्रदेश में सत्ता में है, उनके बड़े नेता इस प्रकार के अगर सरेआम पकड़े जाते हैं, आप कल्पना कीजिए कि इन्हीं सभी ताकतों ने क्या क्या किया होगा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। और झारखंड और महाराष्ट्र जहां पर मतदान कल संपन्न होगा, दोनों प्रदेशों में इंडिया अलायंस बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र में जहां कल पोलिंग होगी वहां पर लोग मन बना चुके हैं, वहां का जो किसान वर्ग है, वहां सोयाबीन कपास प्याज के जो खेती करने वाले किसान हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि दोबारा मौका आए। और जो कामयाबी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिली थी उससे ज़्यादा मतदान इस बार एनडीए के पक्ष में होगा। और मायावती की जो सरकार है, किस प्रकार के भाषण आ रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब सत्ता में बैठे मंत्री, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो इस प्रकार खुलेआम धर्म की आड़ में वोट मांग रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटोगे, उसका मैंने जवाब उनको दिया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए पढ़ोगे तो बढ़ोगे, ये संस्कार नई पीढ़ी को देने चाहिए। एक राज्य का चुनाव जीतने के लिए आप इस प्रकार का माहौल देश में फैलाना चाहते हैं, ये दिखाता है कि आपकी रिपोर्ट कार्ड में आप फेल हैं, आप डिलीवर नहीं कर पाए हैं। और ये डबल इंजन की बात करते हैं, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, सरकार कैसी बनी सब जानते हैं, और आपस में खिंचाव है, वहाँ पर दो मुख्यमंत्री हैं। आज तक भी सत्ताधारी गठबंधन ने ये घोषणा नहीं करी कि सिटिंग जो चीफ मिनिस्टर है वो आगामी मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो बहुत ज़्यादा वहाँ खिंचाव है, परफॉर्मेंस जीरो है, करप्ट वो सरकार है, लोग बदलाव चाहते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम अच्छे बहुमत के साथ दोनों राज्यों में हम सरकार बनाएंगे। जो उपचुनाव हो रहे हैं वायनाड में, केरल में प्रियंका जी लड़ रही हैं, बाकी राजस्थान में है, यूपी में, हर जगह उपचुनाव है, वहाँ पर भी हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। महाविकास अघाड़ी कितनी वहाँ पर प्रबल है, किस तरह की जो माहौल वहाँ पर देखा गया महाविकास? कुछ महीने पहले जो लोकसभा के परिणाम आए थे, आप अगर उसका सिर्फ आकलन करें कि कितनी विधानसभा सीटों में हम लोग लीड कर रहे थे, तो बड़े अच्छे बहुमत के साथ हम सरकार बनाने वाले हैं। महाविकास अघाड़ी का हमारा जो 5 गारंटी हैं, हम लोगों ने जो एजेंडा रखा है, जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो हमारा कैंपेन रहा, और जिस प्रभावी तरीके से राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने रोड शोज किए हैं, जो भीड़ आई थी, मुझे देखकर तो ये मैं आसानी से कह सकता हूँ कि माहौल हमारे पक्ष में है और जो मतदान कल होगा वो भी हमारे पक्ष में ही होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आज कहा है कि महात्मा गांधी और नेहरू ने देश को तोड़ने का काम किया, ये तो कोई शोभा नहीं देता। एक प्रमुख दल है बीजेपी, वहाँ के एक प्रमुख नेता हमारे उन पुरुषों को जिन्होंने सब कुछ अपना कुर्बान किया देश की आज़ादी में, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपिता थे, अगर ऐसा कहा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, तुरंत उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं तो बल्कि कहता हूँ इसमें जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर भाजपा के किसी भी व्यक्ति या नेता ने महात्मा गांधी या हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या नेहरू जी के खिलाफ ऐसी बात की है, ये शोभा नहीं देता। और पूर्वजों को गाली देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इतिहास को सम्मान देना चाहिए। और वर्तमान की अपनी फ्रस्ट्रेशन और भड़ास निकालने के लिए आप पिछले युग के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको बुला बरा कहना अगर कहा है तो बड़ा गलत है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधामोहन अग्रवाल चिट दे रहे हैं विनोद तावड़े को, कह रहे हैं कि बोले राष्ट्रीय महामंत्री का भी पैसे लेकर के थोड़ी जाता है, बोले मैं भी हूं। मुझे पता नहीं कि कौन किसको क्लीन चिट दे रहा है, लेकिन ये सरकार का सिस्टम ही ऐसा है, जो तो उनकी परछाई में काम कर रहे हैं उनको तो बिना जाँच के क्लीन चिट,
और जो उनके वैचारिक विरोध में रहते हैं उन लोगों को बिना तथ्य के आरोप लगाना, उनका चरित्र हनन करना, ये तो आम सी बात है। लेकिन देश सब देख रहा है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश का निर्वाचन आयोग भी देख रहा होगा, क्योंकि सिर्फ नोटिस या आदेश देने से नहीं काम बनेगा, कल मतदान है, उनको प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों को लगे इस देश में जमहूरियत का इकबाल है, लोकतंत्र में पारदर्शिता दिखानी पड़ती है। निर्वाचन आयोग एक संस्थानिक संवैधानिक संस्था है, उसको अपने काम से, अपने रवैये से, अपने एक्शन से लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। अगर इतना होने के बावजूद भी कुछ नहीं करती है इलेक्शन कमीशन, मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, मेरा भरोसा देश की जनता पे है, महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर है, वो सब देख रहे हैं और सही निर्णय करेंगे। सर, एसडीएम जो थप्पड़कांड हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? धीरज गुर्जर ने भी गलत भाषा को, मैं कहता हूँ राजस्थान हो, देश का कोई कोना, कोई भी व्यक्ति, विशेष रूप से जो लोग राजनीति में हो, कोई भी कारण रहे, किसी पर आक्रमण करते हैं या किसी पर हिंसा का अंजाम देते हैं, उसको कौन ठीक है? मैं तो उसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। कोई व्यक्ति हो, किसी दल का हो, अगर आप हिंसा का सहारा लेके आगे काम करना चाहते हैं तो उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। आप मानते हैं? मैं कह रहा हूँ दोबारा आपको, कोई व्यक्ति हो अगर हिंसा का सहारा लेते हैं उसका मैं खंडन करता हूँ, उसको कभी हम इस समाज में टॉयलेट नहीं किया जा सकता। लेकिन ये लागू होता है सरकार के ऊपर भी, सरकार प्रशासन पुलिस ने गांव में घुस के जो हालात वहाँ किए हैं, बच्चे बूढ़े महिलाओं को पीटा, रात के अंधेरे में जाकर गोलियां बरसाई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, उन्होंने क्या ऐसा गुनाह किया था, कौन से आतंकवादी थे वो, तो हिंसा अगर सरकार की मशीनरी भी उसका उपयोग करती है तो उसकी जाँच होनी चाहिए। पहले मुझे बताया गया कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होगी, अब कह रहे हैं कि संभागीय आयुक्त से इंक्वायरी करेंगे, मुझे पता नहीं सरकार क्या चाहती है। लेकिन ये सरकार का एक चेहरा सामने आया है कि अपना भड़ास निकालने के लिए, चुनाव उस दिन मतदान चल रहा था, जांच उस बात की होनी चाहिए कि ये लापरवाही जानबूझ के की गई क्या, किस राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार की लापरवाही करी गई ताकि माहौल खराब हो, बाद में रात को जाके लोगों की पिटाई करो, उनके मकान को तोड़ दो, गाड़ियां फूंक दो, कौन अपनी गाड़ी में खुद आग लगाएगा? और अगर बाहर के लोग थे भी तो अंदर आए कैसे वो, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, पुलिस प्रशासन ने जानबूझ के टारगेटेड कार्रवाई करी है और गरीब लोगों को तंग करने का काम किया है, जनता इसका जवाब देगी। पायलट साहब, आपको क्या लगता है किस स्तर की जांच होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने तो संभागीय आयुक्त के स्तर नहीं, आप मुझे बताओ, सरकारी कर्मचारी की जांच अगर सरकार करेगी तो उसमें क्या तथ्य निकल कर सामने आएंगे? जो पहले मांग उठी थी मुझे मालूम नहीं है, मैं कहा सरकार के मंत्रियों ने कहा था पहले कि जुडिशियल जाँच होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन पॉलिटिकल कोई भी व्यक्ति हो, अगर अधिकारी का बड़ा अधिकारी जांच करेगा तो मैं आज ही बता रहा हूँ आपको कुछ निकल के नहीं आएगा उसके अंदर। अगर हमें तथ्य तक पहुंचना है तो जुडिशियल इंक्वायरी जरूरी है। प्रदेश की 7 सीटों पर जो उपचुनाव है किस तरह के परिणाम देगा? सातों की सातों कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ठीक है, ठीक है सर।